वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स, आपका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल में। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है ईद के लिए। ईद आने वाली है तो मैंने सोचा एक लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ईद का। जो भी मेरी फ्रेंड है जिनका ईद का फेस्टिवल आने वाला है, ये मेकअप उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो मैं सबसे पहले अपने फेस पे ये टोनर अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैंने ये आइस क्यूब लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो पहले आप बर्फ़ से इसको अच्छे से सेक अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लीजिए, उससे आपका फेस ठंडा रहेगा और आपको पसीना नहीं आएगा। और फिर उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, उसके बाद प्राइमर लगाएंगे और प्राइमर को अच्छे से मिक्स करेंगे पूरे फेस पे, आईज़ पे। और मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी, तो मैंने ये कलर करेक्टर यूज़ किया है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे डार्क सर्कल पे मैंने ये ऑरेंज कलर अप्लाई किया है और मैं इसको बहुत ही हल्का सा लेना है और इसको सेट करेंगे। उसके बाद हम कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर लेंगे ताकि ये फैले नहीं, वरना ये फैल जाता है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी होता है। और उसके बाद हम ये कंसीलर इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, इस वजह से मैं कंसीलर से भी इसको हाइड कर लूँगी। और आई मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा हैवी करना है तो इस वजह से मैं कंसीलर ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कॉम्पैक्ट से भी इसको सेट कर लेंगे। और फिर मैं ये अपनी फिर मैं अपने आईब्रोज़ को कॉम करूँगी, सेट करूँगी। और मेरी आईब्रोज़ थोड़ी सी लाइट है तो मैं लाइट ब्राउन शेड लेके इसको सेट कर रही हूँ। अगर आपकी डार्क है तो आप मत यूज़ करिएगा, आप ऐसे ही कॉम करके छोड़ दीजिएगा। और अब मैं आई मेकअप करूँगी, तो आई का जो मेकअप है वो मैं ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी सिर्फ इस फिंगर टिप से ही आपको ये लुक क्रिएट करके दिखाऊँगी। ये बहुत ईजी है क्योंकि कुछ लोगों को ब्रश यूज़ नहीं करने आते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए फिंगर टिप से ही कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी जब मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैं फिंगर टिप से ही ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा। और ईयरबड्स से इसको अच्छे से स्मर्ज करेंगे ना तो स्मोकी लुक वो आ जाता है। तो जिनको नहीं सही से हो पाएगा वो ईयरबड्स से भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं सिल्वर वाला आई शेडो दूँगी, थोड़ा सा शाइनी है ये, तो ये हमारे ड्रेस के लिए देखिए मैच करेगा, क्योंकि वाइट एंड ब्लू कलर का है। तो मैं थोड़ा सा, ईद का है तो थोड़ा सा शिमरी लुक होना चाहिए तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैंने ये ब्लू ग्लिटर आई शेडो इस पर अप्लाई किया है और इसके बाद देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है। और ये मेरा आई कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्दी है कंप्लीट हो गया। और मैं आईलाइनर लगाऊंगी और मुझे लाइनर थोड़ा सा विंग वाला पसंद है, इसलिए मैं विंग आईलाइनर लगा रही हूँ, बहुत आराम से लग जाता है। इसके बाद मैं काजल लगाऊंगी अपनी आईज़ में हल्का हल्का, और काजल के जस्ट नीचे मैंने ईयरबड से ब्लू कलर का शेड लेके हल्का सा इसके मिक्स कर लिया है, इससे आईज़ बहुत अच्छी दिखती हैं, हाइलाइटेड दिखती हैं। और बस कंप्लीट हो गया है। मस्कारा से मैं अपनी आईलैशेस को अच्छे से सेट कर लूँ, क्योंकि मैंने आर्टिफिशियल आईलैशेस नहीं यूज़ करी हैं आज। और ये मेरा आई मेकअप डन हो चुका है, अब मैं फेस का मेकअप करूँगी। तो फेस में ये लिप के साइड में थोड़ा सा ब्लैकिश रहता है और जो भी मेरी अनइवन स्किन है मैं उस पर ये ऑरेंज वाला शेड अप्लाई करूँगी, और जहाँ भी मेरे पिंपल्स के दाग हैं मैं वहाँ पे ये ग्रीन वाला अप्लाई करूँगी। बट ध्यान रखिए कि फिंगर टिप आपकी अलग अलग होनी चाहिए, एक ही नहीं तो मिक्स हो जाएगा। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे।
और फाउंडेशन हम पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे और नेक एरिया पे भी अप्लाई करेंगे ताकि हमारा नेक डार्क ना लगे। और उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर अगर जब आप यूज़ करें तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको पानी से भिगा के उसका पानी निकाल के उसके बाद करें तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये मेरा फेस का हो चुका है और मेरे लिप्स थोड़े से ड्राई हो रहे थे, मैं स्टार्टिंग में लिप बाम लगाना भूल गई थी तो मैंने ऑयल लगाया है। अब मैं ये अपने चिन एरिया पे और फोरहेड पे और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है, कॉन्टोरिंग करनी है, मैंने वहाँ पे ये कंसीलर अप्लाई किया है और इसको हम सेट करेंगे। उसके बाद मैंने ये कलर करेक्टर से ये कॉन्टोर वाला ब्राउन शेड लिया है, इससे मैं अपने चीक्स को कॉन्टोर करूँगी क्योंकि मेरा फेस बहुत हैवी है और चीक थोड़ा सा चबी चीक्स टाइप्स है तो मैं इसको थोड़ा सा स्लिम लुक देना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टोर किया है, नोज़ पे भी किया है, फोरहेड पे भी किया है। और उसके बाद मैं अपने आई शेडो पैलेट में से ये पिंक कलर लूँगी और बहुत ही हल्के हल्के से इसको हाईलाइट करूँगी, इस बहुत ही लाइट करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और इसके बाद मैं हाइलाइटर लूँगी, इस अपनी नोज़ को हाईलाइट करूँगी, अपने चिन पे, लिप, अपर लिप पे, आईज़ पे और इन सब जगह पे मैं इसको मेरे हाईलाइट करने के बाद इससे हाईलाइट से और फेस जो होता है ना, आपका जो मेकअप लुक होता है वो और अच्छा दिखता है, इसलिए हाईलाइट ज़रूर करें। और हाईलाइट करने के बाद मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई किया है, ये पर्पल की लिपस्टिक है। और मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक अपने मेकअप किट वाले वीडियो में शेयर किया है तो आप लोग वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और ये लिप्स पे थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने ये सिल्वर कलर से इसको सिल्वर आई शेडो से अपने लिप पे अप्लाई किया है, इससे देखिए कितना अच्छा सा ये लुक दिख रहा है लिप्स का। और अब मैं हेयर बनाऊंगी तो मैंने यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन यूज़ किया है और हेयर एक्सटेंशन का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, मैंने शेयर किया है। और ये है मेरा फाइनल लुक, होप आप लोग को पसंद आए। तो देखिए दिस इज़ माय फाइनल लुक, अगर आप लोग चाहें तो बिंदी लगा सकते हैं, अगर ना चाहें तो बिंदी हटा भी सकते हैं, दो तरीके के लुक हैं इसमें। तो मैं तो बिंदी लगाऊंगी। ये लुक तो आप साड़ी पे भी कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो ये लुक, होप आप लोग को ये लुक पसंद आ रहा हो। और हेयर स्टाइल मैंने एकदम सिंपल सी रखी हुई है तो आप लोग सिर्फ अपनी इस फिंगर टिप से ये अपना पूरा आई लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ईजी है। और आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए और वीडियो बनाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।